हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 118 एंड 119। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजू है जो कि अपने वादा को याद कर रहा होता है जो कि उसने मिजोहार से किया था, और वो सोच रहा होता है कि तब से 3 हफ्ते हो गए और मैं मूवी के लिए डायरेक्टर स्क्रिप्ट सब सिलेक्ट कर लिया, फिर भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। मुझे स्टार्टिंग में लगा ये सब आसान होगा, लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे क्राउड फंडिंग स्लो होने लगा और हमारे क्राउड फंडिंग की वेब पेज को देखना लोग कम कर दिया, और हमारे पास क्राउड फंडिंग के लिए 2 हफ्ते ही है और लास्ट 24 आवर में हमें किसी ने भी क्राउड फंडिंग नहीं किया, और ये सब सोचते हुए काफी परेशान हो रहा होता है। और वो ये सब के बारे में मिजोहार को बताने के लिए जा ही रहा होता है कि वो फिर से रुक जाता है, और वो सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में मिजोहार को नहीं कह सकता, अगर ये सब इस तरह ही चलेगा तो मैं मिजोहार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी काजू की डोरबेल बजने लगती है और वो जब ओपन करता है तो बाहर यामोरी होती है, और वहाँ पर यामोरी एक्साइट होते ही पूछ रही होती है कि और इसके बाद मिजोहार के साथ आपका क्या हुआ, क्या आपने कोई प्रोग्रेस किया क्या। मैं ये सस्पेंस के बारे में सोचते हुए सो भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, और यहाँ पर वो काजू के ऊपर चढ़ते हुए पूछ रही होती है कि आप दोनों ने एक ही रूम में काफी वक्त बिताए थे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो, तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ, मैं इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइट हूँ। और यहाँ पर काजू सोचने लगता है कि क्या ये लड़की को अभी भी लगता है कि मिजोहारा और मेरे बीच कुछ है। तभी यामोरी काजू की लैपटॉप देखते हुए पूछती है क्या ये मिजोहारा नहीं है, और यहाँ पर काजू कहता है कि हाँ ये हमारे मूवी के लिए क्राउड फंडिंग चल रही है। तो यामोरी कहती है क्या मुझे भी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, और इसके बाद काजू सारी बात बता देता है, और काजू कहता है कि हम रूम में क्राउड फंडिंग के बारे में बात कर रहे थे और हमारे बीच इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर यामोरी कहती है ये क्या आप कह रहे हैं, वो अपने एक क्लाइंट के ऊपर यकीन करती है, क्या उसके फीलिंग के लिए ये इनफ नहीं है। और यहाँ पर काजू यामोरी से कहता है कि फिर भी हमारी क्राउड फंडिंग कुछ ठीक तरह से नहीं चल रही है। और यामोरी सब सुन के कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे क्राउड फंडिंग के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और ये सुन के काजू काफी हैरान होते पूछता है कि क्या तुम्हें क्राउड फंडिंग के बारे में पता है। तभी यामोरी कहती है हाँ मुझे पता है, पिछले साल मैंने एक कॉस्प्लेयर फ्रेंड के साथ मैंने काफी सारे एग्जीबिशन किया था और ये सब क्राउड फंडिंग की मदद की वजह से हो पाया था। और यहाँ पर काजू यामोरी को अपनी प्रोजेक्ट दिखाने लगता है, वो कहता है कि फर्स्ट वीक में तो सब सही चल रहा था लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगा। यामोरी कहती है कि पहले कुछ हफ्तों में अगर अच्छी सक्सेस मिले तो बाद में कैंपेन के लिए रुक जाना ये थोड़ा बुरा है। तो काजू पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यामोरी कहती है मुझे अभी इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, और वो बताती है कि फिर भी क्राउड फंडिंग ऐसा कंटेंट है जिसके लिए बहुत सारा अटेंशन एंड एफर्ट चाहिए, और क्राउड फंडिंग के लिए एक सीरियस प्लान भी होनी चाहिए, और क्राउड फंडिंग पूरा करने के लिए एक प्लान के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी जरूरी है। ये सुन के काजू सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है। यामोरी काजू से कहती है कि मुझे इसका लिंक सेंड करने के लिए, और वो क्राउड फंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए वो अपने रूम में वापस चल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजू जो कि सोच रहा होता है मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट डायरेक्टर एंड स्टाफ मेंबर सिलेक्ट कर लिया, और इसके लिए मिजोहारा भी वेट कर रही है, और अब ये सारी परेशानी बस मेरे वजह से हो रहा है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया। और यहाँ पर काजू खुद को ही गिल्टी मान रहा होता है। तभी डोरबेल बजने लगती है और काजू भाग के जाके डोर ओपन करता है, और बाहर यामोरी होती है, वो कहती है कि मैं इसको इवैल्यूएट कर रही थी। और ये सुन के काजू पूछता है कि तो तुम्हें क्या पता चला। तभी यामोरी पूछती है कि क्या तुमने ये मूवी के बारे में वो लड़की को पहले ही बता दिया, और यहाँ पर रुका की बात कर रही होती है। तो काजू कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बता दिया और वो भी मदद करेगी। तो यामोरी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ तुम कॉल करके सबको यहाँ पर बुलाओ। और यहाँ पर काजू सोचने लगता है कि क्या मुझे रुका को भी यहाँ पर बुलाना होगा, आखिर लड़की करना क्या चाहती है। और यहाँ पर काजू सोच रहा होता है तभी यामोरी कहती है अब सोचने की कोई वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी उन सबको यहाँ पर बुलाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजू रुका इन मिजोहारा को बुला लिया होता है, और यहाँ पर वो चारों लोग काजू के रूम में होते हैं, और वो चारों एक दूसरे को काफी हैरान होते देख रहे होते हैं। और यहाँ पर रुका काफी डेविल वाली लुक दे रही होती है, वो काजू से पूछती है तो यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं जब यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर कुछ हुआ, तुमने मुझे कहा कि ये मूवी के बारे में तुम मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और ये लड़की आखिर कौन है। और यहाँ पर यामोरी भी काफी हैरान होते हैं रुका को देख रही होती है, और ये सुनकर काजू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि वो सिर्फ मेरी नेबर है और मूवी के बारे में बात करने के लिए ही ये मीटिंग है। और ये सुनकर रुका कहने लगती है अगर वो नेबर ही है तो वो तुम्हारे रूम में क्या कर रही है, और तुम्हें नहीं लगता है कि ये मूवी के बारे में नेबर को बताना सही है। और ये सुनकर यामोरी कहती है कि मिस गर्लफ्रेंड मास्टर और मैं सिर्फ नेबर है और हमारे पीछे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर रुका फिर से चिढ़ने लगती है, वो कहती है तुम आखिर उसे मास्टर क्यों बुला रही हो। और तभी हम देखते हैं कि मिजोहारा काजू को खींचते हुए कहती है क्या ये ठीक है कि रूम 202 की वो गर्ल वो यहाँ पर है। और यहाँ पर काजू मिजोहारा से कहता है कि उसे तुम्हारे और रुका के बीच हुई वो झगड़े के बारे में सब पता है, और वो तभी मिजोहारा से कहता है कि सच कहूँ तो वो क्राउड फंडिंग ठीक तरह से नहीं जा रही है, और यामोरी से मुझे पता चला कि वो क्राउड फंडिंग के बारे में पहले ही जानती है और बस इसी के वजह से वो हमें एडवाइस देने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामोरी वहाँ पर सबसे कहने लगती है कि हमारी पहली मुद्दा यही होना चाहिए कि हमें ये मूवी को किसी भी तरह से सक्सेस बनानी होगी, और वो कहती है कि हमें पहले वो प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करना होगा। वो कहने लगती है कि जो बंदा ये वेबसाइट को बार बार ठीक कर रहा है हमें उन्हें थैंक यू कहना
कहना चाहिए कि वो काफी अच्छे कर रहे हैं और जिसके वजह से क्राउड फंडिंग अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली ये क्राउड फंडिंग अभी स्लो हो चुका है और हमें क्राउड फंडिंग के लिए दिखाना होगा कि मूवी का काम ऑलरेडी चल रहा है और स्क्रिप्ट डायरेक्टर लोकेशन भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। लोगों को क्राउड फंडिंग के लिए भी कुछ डिटेल देना जरूरी होता है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये ग्राफ नीचे गिर रही है और हमारे पास कुछ ही हफ्ता बाकी है और इसके लिए हमें कुछ रिवार्ड का भी इंतजाम करना होगा। जैसे कि हमें जो कोई ज्यादा फंड करता है हमें उन्हें थैंक यू मैसेज करना होगा या फिर वेबसाइट में उनका नाम दिखाना होगा और ये सब करने से लोग इन्वाइट होते हैं और हमें ये सब एक अच्छे सिस्टम में करना होगा। और यामुरी तभी मिजवार से कहती है कि मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में पता चला और इसके वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ और हमें अभी से क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए हमारे प्लान एंड रिवार्ड को इंक्रीज करना होगा और नए नए रिवार्ड के बारे में भी सोचना होगा। और वो कहती है कि जैसे कि रिवार्ड की तौर पे मिजवारे की पर्सनल चीज है और ये सुनने के बाद तो वो तीनों काफी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर काजो सोच रहा होता है कि क्या मिजवारे की पर्सनल चीज है। यामुरी कहती है कि जैसे कि आउटफिट जो कि वो शूटिंग के दौरान पहनेगी और कोई भी ऐसी चीज जो वो प्रोडक्शन के टाइम के दौरान यूज करेगी ये सब हमें रिवार्ड के तौर में रखना होगा। मिजवारे काफी प्रिटी है और इसी की वजह से काफी सारे सपोर्टर और फैन बेस बन सकते हैं। और यहाँ पर काजुआ सोचने लगता है कि पर्सनल चीजों में क्या क्या देना होगा और ये सब सोचते हुए कहता है कि क्या ये सब करना जरूरी है। तभी मिजवारे कहती है हाँ मैं ये करूंगी। तभी यामुरी कहती है कि सबसे जरूरी बात ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी और जब हमारी प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन में आ जाएगी हमें अच्छी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यामुरी मिजवारे से कहती है कि तुम काफी सारे एक्टर को जानती होगी तो उनसे तुम कह सकती हो कि ये प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज्यादा अनाउंस करने के लिए और हम कल से स्टेशन के सामने फ्लायर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारे प्लान कम्प्लीट होने के बाद मैं ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट पेज में अपलोड कर दूंगी। और यामुरी काजुआ से लगते हैं कि मास्टर आपको सिमुचु सेन से कांटेक्ट करके हमारी रिपोर्ट को रिकमेंड पेज में रखने के लिए बोलना होगा और मिजवारा तुम्हें ऐसी सारी चीज ढूंढना है जो कि तुम रिवार्ड की तौर में दे सकती हो और तुम्हें जितनी हो सके उतनी ज्यादा फॉलोअर भी इकट्ठा करनी होगी। और यामुरी रुका से कहती है कि मिस गर्लफ्रेंड मैं तुम्हारे ऊपर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के काम छोड़ रही हूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यामुरी कह रही होती है तो ठीक है सबको सबका काम पता चल चुका है और हमें ये मूवी सक्सेस बनाने के लिए सब कुछ करना होगा। और यहाँ पर वो तीनों यामुरी की प्लान सुनने के बाद शोक होते हुए यामुरी की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पर काजुआ सोचने लगता है कि वो सच में एक लीडर बन सकती है। तभी हम देखते हैं कि रुका कह रही होती है फिर भी मैं इसके बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तुम तो सिर्फ एक नेबर हो तो मुझे कैसे ऑर्डर दे सकती हो। और वो काजुआ से कहने लगती है कि मैं ये सब करूंगी लेकिन काजुआ के लिए। तभी मिजवारा यामुरी से कहती है कि मैं ये करूंगी और ये सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद यामुरी पूछती है कि क्या किसी को ऑब्जेक्शन है और यहाँ पर वो सब लोग अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।